एपिसोड की शुरुआत में रियास इधर उधर देखकर बोलती है कि इससे क्या ये क्योटो है, इसका मतलब मुझे यहाँ पर समन किया गया है। वहीं पर एल्शा इससे को बोलती है कि इससे इन्हें पिंच करो। इससे बोलता है कि इन्हें पिंच करने से तुम्हारा क्या मतलब। एल्शा बोलती है कि ये निप्पल्स तुम्हारे स्विचेस हैं जिन्हें दबाने पर तुम्हारा पोटेंशियल तुम्हारे लिमिट को तोड़कर बाहर निकलेगा। डीड्रैग ये सुनकर चिल्लाने लगता है। वहीं इससे बोलता है क्या ये मेरी अवेकनिंग है, तो एल्शा बोलती है कि हाँ अब जल्दी करो। रियास बोलती है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वहीं इससे यह सब सोचने लगता है और उसकी नाक से खून निकल जाता है। अब इससे बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, और अब रियास के पास जाकर बोलता है कि प्रेसिडेंट क्या आप मुझे अपने ब्रेस्ट दबाने देंगी। रियास हैरान रह जाती है कि ये क्या बोल रहा है। उसके बाद वो थोड़ी शर्मा कर बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, लेकिन ये तुम बोल रहे हो तो ठीक है। इससे खुश होकर बोलता है कि ठीक है प्रेसिडेंट। अब वो बोलता है कि डीड्रैग क्या तुम रेडी हो। डीड्रैग चिल्लाने लगता है तो इससे बोलता है कि सॉरी पार्टनर मैं जा रहा हूँ। अब इससे जैसे रियास के ब्रेस्ट दबाता है वैसे रियास जोर से चिल्लाने लगती है कि तभी वहाँ पर एक लाइट चमकती है और रियास गायब हो जाती है। सावसा बोलता है कि यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है, तभी इससे की हार्ट बीट एकदम से तेज हो जाती है। इससे बोलता है कि ये पावर तो मैंने पहले कभी महसूस नहीं की है। वहीं डीड्रैग बोलता है कि हाँ बहुत दिनों के बाद मैं इस पावर को महसूस कर रहा हूँ। इस पावर के साथ मेरी बहुत सी मेमोरीज वापस आ गई, जब मेरे पास मेरी ओरिजिनल बॉडी थी और जब मैं उस व्हाइट बास्टर्ड को हराना चाहता था। इससे की बॉडी से बहुत सारी एनर्जी रिलीज होने लगती है और उसके बाद इससे फिर से सेकंड गियर के अंदर चला जाता है। एल्शा बोलती है कि तुम्हारे पोटेंशियल का गेट अब खुल चुका है, इसके आगे तुम खुद कर सकते हो। इससे बोलता है कि इसके आगे इसका क्या मतलब। एल्शा बोलती है कि बहुत टाइम तक सेकंड गियर के अंदर मैं याद बंद कर रही हूँ, लेकिन अब मैं अपने आप को इससे अलग करने के बारे में सोच रही हूँ। इससे बोलता है लेकिन एल्शा मुझे अभी भी तुम्हारी जरूरत है। एल्शा बोलती है कि मुझे ब्रेस्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं, ये तुम्हारी पर्सनल चीज है, बाकी सब कुछ सही होगा जब तक डीड्रैग और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ है। अब जाओ यहाँ से रेड ड्रैगन एम्परर। अब बेलजर्ड जाने से पहले इस यंग मैन को कुछ फाइनल वर्ड कहो। इससे बोलता है कि तुम बेलजर्ड, लेकिन बेलजर्ड गाने पर डांस करने लगता है तो एल्शा बोलती है कि लगता है ये सेटिस्फाई हो गया है, अब चलो यहाँ से बेलजर्ड। उसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। इससे बोलता है कि इसका क्या मतलब हुआ, ये तो बूब ड्रैगन सॉन्ग के लिरिक्स हैं। अब इससे होश में आकर बोलता है कि ठीक है मैं सबसे बड़ा पावर्ट हूँ, बूस्टेड गियर, और अब उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ने लगती है। पावर देखकर इससे बोलता है कि अच्छा तो यह है डीड्रैग की असली पावर, इसका मतलब जगरनॉट ड्राइव इस पावर को बहुत ही अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट कर पाता है। साउसा बोलता है कि यह सब क्या है, तो इससे बोलता है कि हमारा पोटेंशियल, ऐसी पावर जो अभी तक अनलिश नहीं हुई है। उसके बाद मोड चेंज बोलता है और बिशप के फॉर्म में आ जाता है, इससे की पावर उन्हें दूर से ही महसूस हो जाती है। इससे बोलता है कि मेरे प्यारे दोस्तों को नुकसान पहुंचाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, और कैनन की तरह उनके ऊपर हमला करता है। रेकलस बोलता है कि तो काफी इंटरेस्टिंग है। सावसा बोलता है कि वहां से हटो। अब वहां पर बहुत बड़ा धमाका होता है, सब ये देखकर हैरान रह जाते हैं और बोलते हैं कि इतनी पावर, पूरा एल्डर स्पेस ही रैप हो गया। इससे बोलता है कि मेरा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसके पंख निकल जाते हैं और वो मोड चेंज करके नाइट में कन्वर्ट हो जाता है। इससे तेजी से सावसा की तरफ बढ़ता है, सावसा उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन इससे बचते हुए उसके पेट में पंच मारता है और उसे अपने साथ हवा में उड़ा देता है। अब इससे हवा में ही अपने मोड को चेंज करके रुक में कन्वर्ट होता है और सावसा को नीचे पटक देता है। सावसा किसी तरह बचता है, अपने स्पीयर की मदद से इससे पर हमला करता है, जिसे कि इससे अपने आर्मर के साथ रोक देता है और बोलता है कि अभी और आने दो डीड्रैग, और हाँ बूब ड्रैग को कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। ऐसा बोलकर वो सावसा को पंच मारता है, लेकिन सावसा अपने स्पीयर की मदद से रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही जोरदार तरीके से नीचे गिरता है। अब इससे नीचे खड़े होकर नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और बोलता है कि अच्छा तो यह है मेरी नई पावर। डीड्रैग बोलता है कि हाँ रेड ड्रैगन एम्परर की पावर के अलावा अब तुम्हारे पास ऐसी पावर है कि तुम इविल पीसेस के प्रमोशन को बिना किंग की परमिशन के भी इस्तेमाल कर सकते हो। इससे बोलता है कि शानदार तो है लेकिन काफी ड्रेनिंग भी है, अगर मैं थोड़ी देर और ऐसे रहा तो मैं कुछ मिनट ही टिक पाऊंगा। अब सावसा फिर से खड़े होकर बोलता है कि लगता है लड़ाई के दौरान तुम्हें नया पावर अप मिला है, अगर ये स्पीयर का डिफेंस नहीं होता तो मैं तो मर गया होता, लगता है तुमने एक इलीगल मूव चला है। इससे बोलता है कि इलीगल मूव क्या मतलब, तो सावसा बोलता है कि चेस की टर्म, जिसका मतलब है कि ऐसा मूव जो ना ही फेयर है और ना ही पॉसिबल, ये हमला मुझे ट्राइडेंट की तरह महसूस हुआ। इससे बोलता है कि अब इसका क्या मतलब हुआ, तो डीड्रैग बताता है कि ट्राइडेंट एक लेजेंडरी वेपन है ग्रीक गॉड पोसाइडन का, और तुम्हारे ये तीनों हमले उसे लगातार इस ट्राइडेंट के तीनों शूलों की तरह महसूस हुए। इससे बोलता है कि तब तो इस अटैक का नाम मैं इलीगल मूव ट्रियाना रखूंगा। अब सावसा बोलता है कि तुम्हारी पहले वाली शक्ति कम हो गई क्या, इससे सोचता है कि यह काफी मुश्किल है। अब इससे बोलता है कि मुझे लगा तुम हमें हल्के में ले रहे थे, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम चीजें एनालाइज कर रहे थे, तो क्या एक और राउंड पर चलना चाहोगे। सावसा बोलता है कि मुझे लड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लगता है कि मेरा काम यहाँ पर पूरा होने वाला है। अब स्पेस में से हमें कोई आता हुआ दिखाया जाता है। सावसा बोलता है कि लगता है ये शुरू होने वाला है, जॉर्ज का ड्रैगन ईटर को हम बुलाने के लिए तैयार है। अब वहाँ से एक ड्रैगन बाहर निकलता है। सावसा बोलता है कि ये तो अलग है, और ये ओरा ये तो मिस्चीवियस ड्रैगन यूलोंग है। इससे बोलता है कि यूलोंग तुम्हारा मतलब कि वो फाइव ग्रेट ड्रैगन्स में से एक। अब एक आदमी ड्रैगन के ऊपर बैठा था और नीचे कूद कर बोलता है कि बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं डिवाइन स्पेयर यूजर। सावसा बोलता है कि ओ माय ये तो विक्टोरियस फाइटिंग बुद्धा है, मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ पर आओगे। अब वो सावसा को बोलता है कि चिक्की ब्रेड इस बार तुमने लाइन को ज्यादा ही क्रॉस कर ली है। अब वो इससे को बोलता है कि तुम बहुत अच्छे तरीके से लड़े, अब बाकी
सब कुछ फर्स्ट जनरेशन सन गोकू पर छोड़ दो। इससे बोलता है क्या फर्स्ट जनरेशन सोन गोकू। अब बुद्धा बोलता है की योलोंग मैं नाइन टेल फॉक्स को तुम्हारे हवाले करता हूँ। तो योलोंग बोलता है की ठीक है, लेकिन वहाँ पर वृत्रा उसके साथ फाइट कर रहा है। बुद्धा बोलता है की ठीक है, मैं चाहता हूँ की तुम उसे बचाओ, अगर तुम ये कर लोगे उसके बाद मैं तुम्हें क्योटो में जो खाना चाहो वो खिलाऊंगा। योलोंग खुश होकर बोलता है की ये प्रोमिस है, भूलना मत। अब उनकी तरफ जाते हुए बोलता है की हे ड्रैगन किंग को इग्नोर मत करो। अब बुद्धा बोलता है की लगता है इनको ऑर्डर में पनिशमेंट देने का टाइम आ गया है। सिगफ्रीड बोलता है कि तुम बूढ़े मंकी कहीं के, ऐसा बोलकर वो बुद्धा पर हमला करने लगता है। लेकिन बुद्धा सिर्फ अपनी छड़ी को लंबा करता है जो कि सिगफ्रीड की पेट में जाकर लगती है, वो उड़कर दूर जाकर गिरता है। बुद्धा बोलता है कि तुम्हारा पेट तो काफी ज्यादा कमजोर है लड़के, अगली बार इसे और स्ट्रॉन्ग करके आना। अब जॉर्ज बुद्धा के ऊपर अपना मैजिक करता है जिससे कि चारों तरफ उसकी धुन छा जाती है, लेकिन सोन गोकू सिर्फ अपनी छड़ी को जमीन में पटकता है, वहां पर सारी धुन गायब हो जाती है। गोकू बोलता है कि वो नाइन टेल फॉक्स का काम तुमने इतनी जल्दी खत्म कर दिया, लगता है ये ज्यादा देर नहीं टिकने वाली। अब साफ साफ अपने स्पीयर के साथ गोकू पर हमला करता है जिसे कि वो अपनी एक उंगली से रोक देता है। गोकू बोलता है कि तुम स्पीयर के साथ मुझे चोटिल नहीं कर सकते, इसे रोकने के लिए तो सिर्फ मेरी एक उंगली ही काफी है। साफ साफ बोलता है कि हमेशा की तरह तुम्हारी मॉन्स्टर्स एबिलिटी पर तुम्हारा इतना कंट्रोल। जॉर्ज बोलता है कि साफ साफ इसे यहीं खत्म करो, जाने का टाइम हो गया। साफ साफ जाते हुए बोलता है कि अब मेरे जाने का टाइम हो गया, हम फिर मिलेंगे रेड ड्रैगन एम्परर। इससे उस पर हमला करने लगता है और बोलता है कि एक मिनट रुको, मैं तुम्हारे ऊपर एक शानदार ब्लो करना चाहता हूँ। विक्टोरियस बुद्धा यानी कि गोकू बोलता है कि तुम मेरा काम कर रहे हो लड़के, ऐसा बोलकर इसे को थोड़ा सा पावर अप देता है। इससे सासाओं के ऊपर हमला करता है, उसके साथी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसे का हमला मुड़कर सीधे सासाओं की आंख में जाकर लगता है। ये देखकर सासा गुस्से में जोर से चिल्लाता है और गुस्से में अपना स्पीयर पकड़कर कुछ चैंट्स करने लगता है। तभी सिगफ्रीड सासा का मुंह बंद करके बोलता है कि असली प्लान उन्हें बताने के लिए काफी जल्दी है, लियोनार्डो भी पूरी तरह से थक चुका है। सासा बोलता है कि और ताकतवर बनो रेड ड्रैगन एम्परर, उसके बाद मैं तुम्हें स्पीयर की असली ताकत दिखाऊंगा, ऐसा बोलकर वो वहां से चले जाते हैं। अब कुनाओ अपनी मदर को बोलती है कि प्लीज मदर उठ जाओ। अब गोकू इससे को बोलता है कि तुम्हारे पास वुमेन के ब्रेस्ट के जरिए बात करने की एबिलिटी है ना। इससे बोलता है कि हाँ। तो गोकू बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम उस एबिलिटी का इस्तेमाल इस लड़की और उसकी मदर पर करो। अब इससे अपनी बुबलिंगुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है, उसके ऊपर से गोकू भी अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है। अब गोकू कुनाओ को बोलता है कि यंग लेडी अपनी मदर से बात करने की कोशिश करो। कुनाओ रोते हुए बोलती है कि मदर मेरी आवाज आ रही है, प्लीज मदर वापस से नॉर्मल हो जाओ, मैं कभी सेल्फिश नहीं रहूंगी। नाइन टेल फॉक्स अपनी आंख खोलती है तो कुनाओ बोलती है कि मैं अच्छी लड़की बनकर रहूंगी, मैं कभी आपको परेशान नहीं करूंगी मदर। अब नाइन टेल फॉक्स वापस से नॉर्मल हो जाती है, इससे खुश होकर बोलता है कि ये काम कर गया। प्रिंसेस यसाका बोलती है कि मैं कहां पर हूं। तभी कुनाओ ने गले लगाकर बोलती है कि आप ठीक हो गई। तो यसाका बोलती है कि तुम अभी भी क्राई बेबी हो। अगले दिन इस सिर बाकी सब वापस जाने लगते हैं तो यसाका बोलती है कि मिस्टर एजल और बाकी के ग्रामरी पिराज, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि आपने मेरे शहर को बचाया। इसके अलावा हम विक्टोरियस फाइटिंग बोधार मिस लेविथान से बातें डिस्कस करते रहेंगे ताकि आगे से सिटी पर ऐसा कुछ ना हो। एजल बोलता है कि हम भी आपके साथ कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हैं। लेविथान बोलती है कि मैं कुछ दिन और क्योटो को एंजॉय करना चाहती हूँ, इसलिए तुम लोग पहले घर चले जाओ। अब कुनाओ बोलती है कि रेड ड्रैगन एम्परर क्या तुम वापस से क्योटो आओगे। इससे बोलता है कि मुझे इससे कहो और हाँ मैं पक्का वापस आऊंगा। कुनाओ बोलती है कि तब तो मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब इससे बाकी सब ट्रेन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अभी ट्रेन में इससे दुखी होकर बोलता है कि अरे मैं प्रिंसेस यसाका के ब्रश देखना तो भूल ही गया। इससे के दोस्त बोलते हैं कि लगता है इसे हमारे साथ डीवीडी देखने को नहीं मिली इसलिए ये इतना दुखी है। अब वापस जाने पर रियास बोलती है कि तुमने हमें ये सब बताया क्यों नहीं। एजल बोलता है कि वेल ये वहां पर दूसरी लड़कियों के साथ जो बिजी था। इससे बोलता है कि ये क्या बोल रहे हो, इससे तो ज्यादा गलत फहमी होगी। एजल बोलता है कि खैर कोई बात नहीं, अगर हम यसाका की बात करें तो उसकी लड़की भी काफी सुंदर होने वाली है। इससे बोलता है कि हाँ ये सही तो है, लेकिन मुझे छोटी लड़कियां पसंद नहीं। ये सुनकर कोने को इससे के पेट में पंच मारती है। एजल बोलता है कि खैर इन सभी की पावर काफी ज्यादा बढ़ गई है, इसलिए रियास फिलहाल के लिए इसे भूल जाओ। रियास बोलती है कि मुझे खुशी है कि तुम सब ठीक हो, लेकिन इस तरह मुझे समन करना। इससे बोलता है कि इसके लिए मुझे फिर से माफ कर दो। रोजा विजे बोलती है कि चलो हमारी फील्ड ट्रिप तो खत्म हुई, तभी उसे फिर से उल्टी आ जाती है। एजल बोलता है कि अगला स्कूल फेस्टिवल है और हाँ फिनिक्स क्लैन की लड़की ने भी हमारे स्कूल में एडमिशन ली है। इससे बोलता है कि तुम्हारा मतलब रेवल। एजल बोलता है कि वो रियास और सोना से बहुत कुछ सीखना चाहती थी, इसलिए वो स्कूल में आई है, वो कोनिको की क्लास में पढ़ेगी। अब रियास बोलती है कि खैर साइरो के साथ रेटिंग गेम भी आने वाली है, हमें उसकी तैयारियां शुरू करनी होगी। इससे सोचते है कि हाँ साइरो के खिलाफ मैं प्रेसिडेंट के साथ मिलकर जीत के रहूंगा। दूसरी तरफ एक लड़की साइरो को बोलती है कि तुमने ये न्यूज सुनी साइरो, रेड ड्रैगन एम्परर और रियास ग्रैमरी को नई पावर मिली है। मैंने सुना कि वो हीरो फैक्शन के लीडर के साथ लड़ रहे थे जिनमें की ट्रू लॉन्गिनस को धारण करने वाला बिल्डर भी था, फिर भी वो जिंदा बचकर लौट आए। साइरोक बोलता है कि मुझे उससे यही उम्मीद थी, काफी बुरा होता अगर वो अपना प्रॉमिस पूरा नहीं करता, क्यों मैंने सही कहा ना हीरो इससे। ओके गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यही था आज का एपिसोड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।